हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रेड विद प्रोबेबिलिटीज में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। जैसा कि आपने आज के ट्रेडिंग सेशन में आपने इसमें देखा होगा कि इसने आज लो अपर सर्किट ब्रेक किया और 13% की बढ़त के साथ क्लोजिंग दिया है। तो इसके पीछे सबसे बड़ी जो वजह है वो है ये जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये न्यूज़ वोडाफोन विंस लॉन्ग बैटल अगेंस्ट इंडिया ओवर 20,000 करोड़ रेट्रो टैक्स डिमांड। तो क्या है इस न्यूज़ की पूरी डिटेल, ये हम आपसे शेयर करते हैं। उसके बाद आगे इसके फंडामेंटल्स और शेयर होल्डिंग वगैरह सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए, टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन ने 20,000 करोड़ रुपए के टैक्स विवाद के मामले में भारत सरकार को हरा कर केस जीत लिया है। कंपनी ने शुक्रवार को BSE को, जो BSE में जो इंफॉर्मेशन अपलोड की जाती है, तो वोडाफोन आइडिया ने आज फ्राइडे के दिन BSE को बताया कि उसे सिंगापुर के एक इंटरनेशनल कोर्ट में 12,000 करोड़ रुपये के बकाया और 7,900 करोड़ रुपये के जुर्माने के मामले में भारत सरकार के खिलाफ जीत मिली है। और ये जो न्यूज़ है ये वोडाफोन आइडिया के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है, क्योंकि कंपनी को, जैसा कि आपको पता होगा कि AGR ट्यूस इसके बहुत हाई फाई हैं। सारे टेलीकॉम इंडस्ट्री जितने भी कंपनी हैं उसमें वोडाफोन आइडिया का जो AGR है वो सबसे हाई है, जो कि है 53,000 करोड़ का। तो इसलिए ये जो न्यूज़ है, इसको जो जीत मिली है 20,000 करोड़ की, ये इसके लिए बहुत ही बड़ी राहत की बात है, जिसमें इसको हो सके तो आने वाले समय में AGR भुगतान करने में बहुत बड़ी सहायता मिल सकती है। तो ये थी वजह आज वोडाफोन आइडिया में अपर सर्किट ब्रेक करने की। और अब आगे बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स के बारे में। तो जैसा कि टिकर टेप है, आप देख सकते हैं इसमें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न शेयर करेंगे। तो इसका ये देखिए खुल रहा है शेयर होल्डिंग पैटर्न में। आप देख सकते हैं कि इसमें प्रमोटर की तगड़ी होल्डिंग है, जो कि 72.05% की है। और आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये आप स्क्रीन पे देखिए, नीचे म्यूचुअल फंड होल्डिंग, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स और अदर पार्टी, ये सारे आगे पीछे हो रहे हैं पिछले 4 क्वार्टर से, लेकिन प्रमोटर होल्डिंग एज इट इज़ एकदम कांस्टेंट बना हुआ है। ये सबसे अच्छी बात है इसके लिए। और फॉरेन FIIs की होल्डिंग थोड़ी घटी है, बट आप प्रमोटर में फोकस करिए, प्रमोटर होल्डिंग एकदम कांस्टेंट बना हुआ है। और सबसे और अच्छी बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, प्रमोटर ने अपने एक भी शेयर प्लेज नहीं किए हुए हैं। मतलब प्रमोटर के पास जितना भी होल्डिंग है 72%, वो सारे के सारे बिल्कुल उन्हीं के पास है, एक भी परसेंट उसमें से प्लेज नहीं है, मतलब गिरवी नहीं रखे हैं इन्होंने। कंपनी की इतनी बुरी स्थिति आ चुकी थी, अभी भी है, लेकिन इस केस में भी प्रमोटर ने अपने एक भी शेयर गिरवी नहीं रखे, ये सबसे अच्छी बात है। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, म्यूचुअल फंड में भी इसकी होल्डिंग अच्छी खासी है। जाने माने बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड हाउस है वो भी इसका शेयर होल्ड करके रखे हुए हैं। जैसे कि उसमें कुछ मैं आपको नाम बता देता हूँ, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड है जिसके पास 91.32 करोड़ शेयर है। फ्रेंकलिन इंडिया इक्विटी फंड है जिसके पास 61.2 करोड़ शेयर है। कोटक है जिसके पास 38.13 करोड़ शेयर है। इस तरह से बड़ी लंबी लिस्ट है ये। तो मेरा ये बताने का मकसद ये है कि इसमें देखिए, म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग अच्छी है, प्रमोटर्स की भी होल्डिंग अच्छी है, शेयर एक भी प्लेज भी नहीं है। तो और एक बात और मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये जो कंपनी है वोडाफोन आइडिया, अगर ये मतलब जिस तरह से इसका प्लान चल रहा है आगे, इन्होंने अपने टैगलाइन भी बदल दिया है और नए नए जैसे प्लान्स भी लेके आ रहे हैं, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी अभी इन्होंने अपना नया प्लान जो लॉन्च किया है वो कि प्रीपेड टेरिफ प्लान है, जिसमें कि एक ऑफर के तहत उसको लॉन्च किया गया है, जिसमें जोमेटो और तरह तरह के जो गेमिंग ऐप होते हैं, जैसे कि आप इसमें टेरिफ प्लान लेंगे तो आपको उसके साथ जोमेटो में जो आप ऑर्डर करेंगे उसमें कुछ डिस्काउंट कूपन मिलेगा और गेमिंग ऐप में भी कुछ बोनस का है। तो इस तरह से ये अच्छी अच्छी स्ट्रेटजी के साथ मार्केट में फिर से उतर रहे हैं। और हो सकता है कि आने वाले समय में आइडिया मार्केट में सर्वाइव कर पाए अच्छे तरीके से।
अब चलते हैं इसके चार्ट के बारे में, चार्ट में क्या बन रहा है आपसे डिस्कस करते हैं। तो चार्ट में देखिए मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगा के रखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले तो वोडाफोन आइडिया में आप से मैं एक चीज बोलना चाहूँगा कि इसमें आप उतना ही इन्वेस्ट करें जितना कि आप, आपके मान लीजिए नुकसान हो जाए या डूब जाए आने वाले समय में, तो भी आपको उतना फर्क ना पड़े। मान लीजिए आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 1 लाख का है, तो आप इसमें 5% 10%, 10% से ज़्यादा तो करना ही नहीं है, 10% मैक्सिमम आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसको करके भूल जाइए लंबे समय के लिए। क्योंकि देखिए वोडाफोन आइडिया जिस तरह से काम कर रहा है अभी, और एक एक बात और आपको बताना चाहूँगा, इसको जो इसका 53,000 करोड़ का AGR का जो भुगतान है वो सरकार को आने वाले 10 सालों में इंस्टॉलमेंट के रूप में करना है। तो इसका डायरेक्ट मतलब आप समझ सकते हैं कि ये आने वाले 10 सालों तक मार्केट में टिका रहने वाला है, चाहे किसी भी कंडीशन में हो। तो उस लिहाज से अगर देखें तो इसके शेयर बहुत ही नीचे स्तर पर ट्रेड कर रहे हैं, जो कि मार्च से तो बड़े तेजी दिख चुकी है, बट अगर एक ओवरऑल इसका जो आप जैसे कि वीकली चार्ट में या मंथली चार्ट में देखेंगे तो उस हिसाब से ये बहुत ही नीचे ट्रेड कर रहे हैं अभी भी। तो आने वाले समय में अगर आप इसमें 10% 5% जैसा रिस्क वाला इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें एक अच्छी रिटर्न आपको देखने को मिल सकती है। तो इसके लेवल आपको मैं बता देता हूँ, एक लेवल है 7.8 और दूसरा लेवल है 5.7 का। तो आज तो इसने न्यूज़ पे अपर सर्किट ब्रेक कर दिया है, बट आने वाले समय में अगर ये आपको किसी भी रीज़न से मार्केट गिरता है अगर, तो किसी भी रीज़न से 8 से 7.8 के रेंज में या 5.7 के रेंज में मिले, तो आप इसमें अगर अभी भी आपके पास शेयर होल्ड है तो आप यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं, या आपको फ्रेश बाई करना है तो यहाँ पे बाई भी कर सकते हैं। लेकिन आपकी स्ट्रेटेजी वही होनी चाहिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप उतना ही ले जितना कि डूब जाए तो आपको तकलीफ ना हो, और इसे लेके आप भूल जाइए लंबे समय के लिए, 2-3 साल या हो सके तो 5 साल के लिए, तभी इसमें आप मुनाफा ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।